दिल्ली में एक और 8 साल की मासूम बेटी की कर दी गई हत्या। पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी इलाके में 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। 23 तारीख शाम को 4 बजे इस बच्ची को अगवा करके ले गए थे। आज जब परिजन को पता लगा कि किस बच्ची की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश मुरादनगर से बरामद की गई है, परिजन व पड़ोस के लोग थाना कल्याणपुरी में हंगामा कर रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। सीधा सीधा आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की लापरवाही से उस बच्ची की मौत हो गई। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो आज वह बच्ची हमारे बीच में होती। सभी लोगों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की, किसी भी सरकार पर उनको भरोसा नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता है। मैं खिचड़ीपुर 6 ब्लॉक जुग्गे में रहती हूँ, जहाँ का ये हादसा है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से 23 तारीख को 4:30 बजे, 4 बज के कुछ 10 मिनट या 15 मिनट पर लड़की उठाई गई थी। शाम को हम लोग लड़के के घर पर गए थे, हमने बात की, लेकिन पुलिस ने हमें ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला, क्या कहते हैं कि पथराव कर रहे हैं ये लोग। हमें पुलिस वालों ने गंदे तरीके से गली से धक्का दे के निकाला, हम लोग निकल गए। अगर उस टाइम हमें अगर पहले ही दिन पुलिस कोऑपरेट कर लेती, आज वो लड़का हमारे साथ, बच्ची हमारे साथ होती। पुलिस वालों ने ठीक से नहीं सुना। बच्ची का अफेयर है, क्या हुआ बच्ची को? बच्ची को मार दिया गया, 6 साल की लड़की। कोई ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। लड़की अभी मिली नहीं है और झूठी, अभी तक हमें झूठी दिलासा दी जा रही है। लड़के को थाने में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे। क्रिमिनल के बारे में कुछ नहीं बता रहे ये लोग। मुस्लिम की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको किसने बताया है कि लड़की खत्म हो गई? ये हमें मौसी बता रही है, सगी परिवार वालों को बताया गया कि लड़की खत्म हो गई है। हाँ जी, ये पुलिस ने बयान दिए। अगर लड़की खत्म हो गई तो पुलिस वाले लेके क्यों नहीं आ रहे, बयान क्यों दे रहे हैं? सामने आए ना, सामने बताएं ये बात आके। पहली बात तो सर, जो उसका घर है, जैसे हमारी बेटी गई हुई है, उस घर पे उस इंसान का कब्जा होना चाहिए। बेटी तो उसको मिलने वाली है नहीं, लेकिन उस घर पे उनका, गरीबों का कब्जा रहना चाहिए और इस कुत्ते को फांसी होनी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।